महसूस करता है कि हम का हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा खूबसूरत है। वो कराची वगैरह तो यह सारे खंडरात बन गए हैं, तो इन पे गवर्नमेंट का तवज्जो होना चाहिए। चीजें देखें, प्लेसेस देखें, कराची को छोड़ के इस्लामाबाद आए, वेदर सबसे पहले, वेदर ग्रीनरी, इस्लामाबाद इज द बेस्ट, ग्रीनरी, वेदर एंड ग्रीन इज द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते के साथ आपका होस्ट अहमद अवान इस्लामाबाद से, और आज आप लोगों के लिए मैं ले गया हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट की स्पेशल वीडियो, और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की खूबसूरती, और यहाँ का जो लोग अपने कैमरों के अंदर अक्सबंदी करने के लिए दूर दूर से आते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट में तस्वीरें खींचने के लिए, अपनी चीज़ यादगार तस्वीरों में कैद करने के लिए। आइए चलिए देखते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद शक्करपेड़िया के पार्क में वाक़िया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पब्लिक प्लेस है। इसे मुगलिया अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है आरिफ मसूद, इसके इंजीनियर का नाम है सैयद मोहम्मद खालिद, और जो इसको डिज़ाइन करने वालों में शामिल थे वो खैज़र हयात असगर थे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन का आगाज़ है वो किया गया था 25 मई 2004 में, और इसे 23 मार्च 2007 में कम्प्लीट कर लिया गया था। पाकिस्तान मोनूमेंट एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आइए यहाँ पर दूसरे शहरों से आए हुए मेहमानों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर सिंध से आए हुए मेहमान भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम पीर अब्दुल्ला शाह, मैं सिंध दरबार चीफ शरीफ का गद्दी नशीन जी। यह यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल करना है, कराची, सिंध, हैदराबाद, सक्कर, मुल्तान, लाहौर, डिफरेंट जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, आपको वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस नज़र आता है? खूबसूरती की बात करूँगा मैं, डेवलपमेंट की बात करूँगा, हरियाली की बात करूँगा। यहाँ बहुत बड़ी खूबसूरती है। यहाँ के बंदा महसूस करता है कि हम का हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा खूबसूरत है। वो कराची वगैरह तो यह सारे खंडरात बन गए हैं, तो इन पे गवर्नमेंट का तवज्जो होना चाहिए। वहाँ भी इस तरीके के पार्क बनाने चाहिए, इस तरह की खूबसूरती बनानी चाहिए। इस्लामाबाद में आके और हमें महसूस होता है हम अपने पाकिस्तान में भी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। ठंड में भी इसलिए आते हैं कि हमारे ये पाकिस्तान के कैपिटल जो है बड़ा खूबसूरत जगह है, और हमें बड़ा पसंद है, बहुत अच्छी बातें हैं इनकी। अच्छा, मुझे बताएं मरी वगैरह गए हैं आप, मरी के बारे में क्या तासुरात है आपके? मरी में गए, लेकिन मरी के लोग जो हैं उनमें वो इंसानियत बहुत कम है। उन जो अभी जो सानह हुआ है उन पे मुझे बहुत ज़ाती तौर पे बड़ा दुख है। वो अपने कमाई में लगे हुए थे, इंसानी हमदर्दी उनमें नहीं थी, वो बहुत उन्होंने गलत किया है। अगर उनकी जगह पे उनके बच्चे उधर कहीं कराची या सिंध में आते तो हम तो उनको बड़े जी से खिदमत करते। खुदा न करे किसी के साथ ऐसा वाक़या ना होना चाहिए, और ऐसा अगर कहीं भी वाक़या होता है तो इंसान को इंसानियत देखनी चाहिए, ज़ात नसब असब को नहीं देखना चाहिए, इंसानियत को देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जी आपसे गुफ्तगू करके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। आइए चलते चल के और भी लोग हैं यहाँ पे तासरात, और इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान मोनूमेंट जो खूबसूरत सा प्लेस आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये किस तरह का है, यहाँ कितनी खूबसूरती है, और लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर दूर दूर से सैर तफरी के लिए। जैसे ही आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हैं तो वेलकम करने के लिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जोकर भैया मौजूद हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर सिंध से आई हुई फैमिली मौजूद है। सबसे पहले इनका नाम और पूछूंगा कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जवीरिया है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। आप देखें, प्लेसेस देखें, कराची को छोड़ के इस्लामाबाद आए, वेदर सबसे पहले, वेदर ग्रीनरी, इस्लामाबाद इज द बेस्ट ग्रीनरी, ग्रीनरी, वेदर एंड ग्रीन इज द बेस्ट। अच्छा, कराची वाले सिर्फ सर्दियों के लिए तरसते हैं। अच्छा, मैं एक खूबसूरत सवाल करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? आप लोग ज़रा यंगस्टर्स हैं, मुझे बताएं, और तेज़ भी लग रहे हैं, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो दिन में एक है, रात में दो है, और साल में एक भी नहीं? नुक्ते। ये बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है। इनसे एक और पूछता हूँ, वो क्या चीज़ है जो सबको रास्ता दिखाती है लेकिन खुद नहीं देख सकती? सबको रास्ता दिखाती है लेकिन खुद नहीं देख सकती। जी बिल्कुल, रास्ता, सड़क, 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 सड़क बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता ही होगा। तो कराची वाले यहाँ पे भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चलते फिरते के साथ यहाँ पर पाकिस्तान मोनूमेंट में मैं लोगों के तासुरात लेते रहते, मुझे यहाँ पर एक शेख साहब मिल गए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अना अल्हम्दुलिल्लाह।
ये पाकिस्तान मोनूमेंट जो बना हुआ कैसा लगा आपको? सर बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फ़ख्र होता है ये चीज़ें देख कर, पाकिस्तान को मतलब उभरता हुआ देख के। अच्छा शेख साहब आपकी शादी हो गई है? यार ऐसी बातें ना किया करो। ये वो कहते दुखती राख पे वो पांव रख देना है, जख्मों पे नमक। अच्छा अभी एक भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू की है। आइए चल के आपको और यहाँ लोगों के तासुरात दिखाते हैं चलते फिरते के साथ। अच्छा मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक और यंगस्टर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये जो मोनूमेंट प्लेस है कैसा है ये? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, आपको विजिट करना चाहिए, पाकिस्तान की खूबसूरती को आपको एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए। पाकिस्तान की खूबसूरती को आपको देखना चाहिए, अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तो इस्लामाबाद के पाकिस्तान मोनूमेंट के इस प्लेस पर आप आ सकते हैं। इस वक्त शाम यहाँ पे हो चुकी है काफ़ी, आज ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है चलते फिरते के साथ। और पाकिस्तान मोनूमेंट एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। इस वक्त शाम यहाँ पर हो चुकी है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। अगर आप पाकिस्तान मोनूमेंट के इस प्लेस पर नहीं आए अब तक, तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस मिस कर दिया। जब भी आप इस्लामाबाद आएँ तो पाकिस्तान मोनूमेंट के इस प्लेस पर आएँ, अपनी फोटोग्राफी करें, अपनी वीडियोस वगैरह बनाएं और इसके खूबसूरत जो यहाँ का एक लुक है, जो यहाँ की खूबसूरती है, उसको अपने कैमरे में उसकी अक्स बंदी करें। वीडियो कैसी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते फिरते के साथ आपका होस्ट अहमद अवान इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम।